हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज वडनरी सुन्ना गणपति के टेंपल पर आए हैं। इधर जो गणपति है वो मिट्टी से खुद ही निकले हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं। अगर आप चित्र रेलवे स्टेशन से इधर 20 किलोमीटर का दूरी पर है, इधर जो गणपति है वो शिवलिंग की आकृति में है, लेकिन उनका जो गणपति का जो सुंड है ना वो है, उनको दो साइड में राहु एंड केतु है। अगर राशि में कुछ दोष होता है तो इधर आते हैं पूजा करने के लिए। इधर नवग्रह है, मैं दिखा देती हूँ। आपका मान लीजिए कन्या राशि है, कन्या राशि का जो अधिपति है वो बुध है। आप बुध की चारों तरफ से 9 नोड लगा सकते हैं। इधर हर ग्रह का दो दो पत्नी है और उनके बैक साइड में उनका पेड़ है। इधर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तमिल में भी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली तमिलनाडु में है, दिखा देती हूँ। देखिए इधर स्पेशल पूजा होता है। मान लीजिए आपको सालों साल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो दोष निवारण के लिए इधर पूजा करते हैं, होम वगैरह करते हैं। इधर बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए ये, देखिए ईशनी भगवान का पेड़ है, सूर्य भगवान है, मीडियम पोजीशन में सूर्य भगवान है। और बैक साइड में इनका पेड़ है, देख सकते हैं, ये उनका पेड़ है, ये शनि भगवान का, ये उनका पेड़ है। हर ग्रह का अपना पेड़ उनका बैक साइड में होता है। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत सारे लोग आते हैं इधर, खास करके राहु केतु की पूजा करने के लिए। देखिए देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और तमिल में भी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी राशि में कोई प्रॉब्लम है तो आप निराकरण के लिए इधर आ सकते हैं और खास पूजा भी कर सकते हैं। सारे भगवान अपना दिखा देती हूँ। आप चाहे तो कभी गा सकते हैं। देखिए हर ग्रह उनके दो साइड में उनका दो पत्नी है और उनका बैक साइड में उनका पेड़ है। बहुत अच्छा एरिया है, इधर बॉस नहीं आएगा। कैसे करके बनाए हैं, सब लगा चप्पल
देखिए ये अंदर का है, अच्छा लग रहा है मंदिर में। ठंडा है अंदर, बहुत प्लेस है मंदिर के अंदर में। उधर है स्वयंभू गणपति जो मिट्टी से बाहर आए हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही निकले हैं, वो अंदर ही है। इधर होम वगैरह होता है, हॉस्पिटल में होम होता है ये। तो आप अगर चाहते हैं आपकी राशि में कोई दोष है तो आप इधर आके आराम से पूजा कर सकते हैं। स्पेशल डे में तो ज़्यादा टाइम खुला रहता है, नहीं तो 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलते हैं। मंदिर के चारों तरफ है, दिख रहे बहुत अच्छा टेम्पल है, आप एक बार जरूर आइए। बहुत जगह में ऐसे नवग्रह का टेम्पल है, लेकिन हर एक ग्रह का जो पेड़ है वो हर जगह में अवेलेबल नहीं है, तो इधर आके आराम से देख सकते हैं और अपना पूजा वगैरह कर सकते हैं।